दोस्तों, कोयला एक बहुत ही जरूरी जीवाश्म ईंधनों में से एक है और इसका इतिहास को हम सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसी कड़ी को जानने के लिए दोस्तों हमने हमारे चैनल पे एक कोयले से इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छी सीरीज को शुरू किया है और जिसकी आने वाली वीडियोस आपको और भी मिलते रहेंगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप जो है भारत में कोयले की खदान की शुरुआत और कोयला का शुरुआत, साथ ही दोस्तों फेमस लोकेशन और देश की पहली कोयला खदान, साथ ही कोयलों का राष्ट्रकरण, खदानों का राष्ट्रकरण और कोल इंडिया की स्थापना और कमर्शियल कोल माइनिंग इंडिया में कब से आरंभ हुआ, इसके बारे में सभी जानकारी इस वीडियो पर मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं टेक जे टिप्स यूट्यूब चैनल। हमारे देश में बिजली उत्पादन में कोयला एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि आज भी हमारे देश में 70% से अधिक बिजली का निर्माण के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। अगर बात की जाए दोस्तों भारत में कोयले की माइंस की शुरुआत की, तो दोस्तों 1774 ईस्वी में ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और भारत की अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है चीन के बाद। अगर बात की जाए 2022 ईस्वी में तो माइनिंग, कोल माइनिंग में दोस्तों 777.31 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया गया, जिसमें से लगभग 30% कोयला आज भी हमारा देश दोस्तों कोयला इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे देश में कोकिंग कोल कोयले की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और उसको पूरा करने के लिए हम आज भी आयात इंपोर्ट करते हैं। अगर बात की जाए स्टील प्लांट्स में, तो स्टील प्लांट्स में दोस्तों कोकिंग कोल कोयले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और कोकिंग कोल प्रोड्यूसिंग के लिए हमारा देश का धनबाद जिला जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है और धनबाद को हमारे देश में कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगर बात की जाए भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनी के नाम की, तो वो है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड, जिसकी हमारे देश में कोल माइनिंग में 1973 जब से राष्ट्रीयकरण किया गया था तब से लेकर 2018 तक मोनोपोली थी, क्योंकि 2018 के बाद हमारे देश में कमर्शियल कोल माइनिंग की लागू कर दिया गया है। दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं भारत में कोयले की खनन की शुरुआत कहां से की गई थी, तो दोस्तों सबसे पहले भारत में 1774 ईस्वी में जॉन समनर और सुटोनियस ग्रांट हिटली के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में रानीगंज कोल फील्ड्स में, जो कि दामोदर नदी के किनारे में है, वहां से शुरुआत किया गया था। शुरुआत में दोस्तों कोयले का उपयोग जो सबसे ज़्यादा किया जाता था वो था स्टीम लोकोमोटिव्स में, मतलब ट्रेन के इंजन को चलाने के लिए। और अगर बात की जाए कि प्रथम में सबसे पहले जो है वो कितना मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया था, तो 1853 तक हमारे देश में केवल 1 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का ही उत्पादन किया जाता था, जो कि केवल और केवल ट्रेन इंजन को चलाने के लिए उत्पादन किया जाता था। भारत में ब्रिटिश राज में ही दोस्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बहुत ही बड़ी संख्या में कोल माइनिंग की शुरुआत 1894 तक कर दी गई थी। ब्रिटिश ज़माने की अगर कुछ महत्वपूर्ण कोलियरीज की बात की जाए तो उसमें आते हैं खास झरिया, जामाडोबा, बलिहारी, तीसरा, कतरासगढ़, केलुडी, कुसुंडा, गोविंदपुर, मतलब हम देख सकते हैं कि यह केवल और केवल झरिया कोल फील्ड्स इलाके में ही सबसे अधिक है। दोस्तों भारत में कोयले उत्पादन में ब्रिटिश अंग्रेज़ों की मोनोपोली थी और उसको तोड़ने का काम हमारे देश में सर्वप्रथम सेठ खोरा रामजी चावड़ा ने कच्छ जिले से झरिया आकर किया था। दोस्तों हमारे देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के जस्ट बाद कोयले उत्पादन से जुड़े बहुत ही अधिक समस्या थी और उसको ठीक करने के लिए भारत सरकार ने सर्वप्रथम नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC की स्थापना 1956 में की थी। अगर दक्षिण भारत में बात की जाए तो सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी की स्थापना 1945 में कर ली गई थी और 1950 में इसे गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी बना दिया गया था और उस समय आंध्र प्रदेश की सरकार इसे ओन करती थी। अगर वर्तमान में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड की बात की जाए तो इसमें 51% जो शेयर है वो तेलंगाना सरकार के पास और 49% शेयर भारत सरकार के पास है। अब हम आते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस, कोयले के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन, जो कि दो फेज में किया गया था। पहला फेज में कोकिंग कोल माइन, जो कि 1971 से लेकर 1972 में किया गया था, और दूसरा फेज जो था वो नॉन कोकिंग कोल माइंस की थी, जो कि 1973 में किया गया था। कोकिंग कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण कर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसको वर्तमान में BCCL, जिसका हेडक्वार्टर धनबाद में स्थित है, उसे एक भारत सरकार की कंपनी बनाई गई और 1973 ईस्वी में दोस्तों जितने भी नॉन कोकिंग कोल माइंस थी उसको मिलाकर भारत सरकार के अधीन किया गया।
दोस्तों हमारे देश में नॉन कोकिंग कोल माइंस जितने भी नेशनलाइज किए गए थे उसको कोल माइंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में रखा गया था, और 1975 में हमारे देश में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जो कि वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है उसकी स्थापना की गई थी और रानीगंज कोल फील्ड्स को उसके अंदर रखा गया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों अब हम आते हैं विश्व की सबसे बड़ी कोल उत्पादन कंपनी की स्थापना कैसे हुई। तो दोस्तों 1 नवंबर 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कोल सेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से चलाने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत दोस्तों 1975 में 5 सब्सिडरियाँ थी, जिसमें थी BCCL, ECL, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और CMPDIL। बाद में दोस्तों 3 अलग अलग और सब्सिडरियाँ बनाई गई, जिनमें थी नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। अगर बात की जाए दोस्तों 1975 से लेकर 2010 तक भारत सरकार के पास इसका 100% शेयर था। उसके बाद में दोस्तों 2010 में भारत सरकार ने 10% का इसमें सर्वप्रथम इक्विटी IPO लाने की घोषणा की थी। अगर वर्तमान समय में बात की जाए दोस्तों तो कोल इंडिया जो है उसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और यह एक महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसमें लगभग 272,000 से भी अधिक एम्प्लॉय सरकारी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं।